वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पॉकेट गेमिंग चैनल पे। मैं आपका फ्रेंड विनय और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और आपने न्यू ईयर पे क्या रिजोल्यूशन लिया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन जो लेजेंडरी है, और लेजेंडरी पोकेमॉन वो होते हैं जो उनके पास गॉड टाइप पावर्स होती है, वैसे कुछ पावर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनके बेस टाइप भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो हम बात करने वाले कौन से पोकेमॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है उनके रीजन के अंदर। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन पे क्लिक कर देना। लेट्स बिगिन अवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कांटो रीजन की। तो कांटो रीजन के अंदर तो हमें टोटल 4 पोकेमॉन इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिनका नाम है म्यूटू, मोल्ट्रेस, आर्टिक्यूनो और जेप्टोस। ये चारों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की बात करें तो वो है म्यूटू। म्यूटू एक साइकिक टाइप का पोकेमॉन है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फैन फॉलोइंग वाला पोकेमॉन है। इसकी फैन फॉलोइंग आपको पता ही, और ये कितना स्ट्रॉन्ग है वो एनिमे और गेम्स दोनों में हमें दिखाया गया है। बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके पास 2 मेगा इवोल्यूशन भी है, म्यूटू एक्स एंड म्यूटू वाई। दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसको कितनी बार मूवीज़ में दिखाया गया और कितना पावरफुल दिखाया गया वो आपको पता ही है। और ये इसके पास जो साइकिक मूव्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कांटो में तो ये एक अनबीटेबल पोकेमॉन है, क्योंकि इसके पास कोई मतलब एक ही मतलब टाइप एडवांटेज डिसएडवांटेज है जो है गेंगा, और गेंगा खुद ही एक डिसएडवांटेज रखता है म्यूटू के सामने। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रीजन की ओर। हमारा नेक्स्ट रीजन है जोटो रीजन। तो जोटो रीजन के अंदर हमें 5 पोकेमॉन इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो है हो, लुगिया, एंटे, स्वीकून एंड राइको। ये 5ों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है वो है हो पोकेमॉन, जो एक फायर एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। हाँ, लुगिया के पास टाइप एडवांटेज है, मतलब वो साइकिंग फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है, बट वो काफ़ी सारे मूव्स सीख सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स, वाटर टाइप मूव्स, तो मतलब जो हो के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मतलब गॉड लाइक पावर्स तो हो के पास ही है, और एनिमी के अंदर भी मतलब इसको गॉड टाइप बताया हुआ है, लुगिया को बताया हुआ है, बट हो ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसने 3 पोकेमॉन को न्यू लाइफ दी। तो मतलब न्यू लाइफ देना मतलब कोई नॉर्मल पोकेमॉन की बात नहीं है, वो गॉड लाइक पोकेमॉन की ही बात है। ये कितना स्ट्रॉन्ग है आपको पता चल ही गया होगा कि ये किसी को न्यू लाइफ दे सकता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में भी आता है, और इसकी पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रीजन की ओर। बात करें हमारे थर्ड रीजन मतलब कोवियन रीजन की, तो उसके अंदर 8 पोकेमॉन आते हैं, जो है रैक्वार्जा, कायोगर, ग्रोडाउन, रेजिस्टील, रेजिरॉक, रेजियाइस, लैटियस एंड लैटियोस। ये 8ों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट सबसे ज़्यादा बीस्ट और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की बात करें तो उनमें आता है रैक्वार्जा। रैक्वार्जा एक ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है, और इसके पास एक मेगा इवोल्यूशन भी है जिसका नाम है मेगा रैक्वार्जा। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, और जब भी मतलब ग्रोडाउन और कायोगर की बैटल होती है तो सिर्फ यही एक पोकेमॉन है जो रोक सकता है उनको, और कोई पोकेमॉन रोक नहीं सकता। ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है होएन रीजन का, और स्पेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर हलचल होती है और खतरा जैसा महसूस होता है तो रैक्वार्जा ही बचाने आता है। स्पेस में या फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम मतलब अंदर आ रही हो तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, और ये गार्डियन पोकेमॉन भी है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रीजन की ओर। बात करें सिनो रीजन की, तो उसके अंदर हमें 9 पोकेमॉन इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो है एजेल, युगजी, मैस्पिरिट, क्रिसेलिया, हीट्रैन, रेजिगिगस, डियाल्गा, पालकिया एंड ग्रिटिना। ये काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ये मतलब क्रिएशन ट्रियो भी है, मतलब जिन्होंने पूरे इस दुनिया को बनाया था, तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन भी कह सकते हैं। और बात करें कि इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो वो ऑफकोर्स गिरिटिना है, क्योंकि इसके पास एक खुद का वर्ल्ड है, एक दूसरा डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड। तो भाई सोच ही सकते हो कि खुद का वर्ल्ड होना कितना मतलब बड़ी बात है, कितनी पावरफुल आता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक घोस्ट टाइप का पोकेमॉन है, और ये काफ़ी ज़्यादा घोस्ट एंड ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड के अंदर इसके पास एक अलग फॉर्म भी है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन एनिमे के अंदर भी हमें ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया, और गेम्स में तो ये स्ट्रॉन्ग है ही। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है और मेरा फेवरेट पोकेमॉन है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कूल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रीजन की ओर। बात करें जनरेशन 5 मतलब इनोवा रीजन की, तो उसके अंदर भी हमें 9 पोकेमॉन इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो है टेराक्योन, विरिजियन, कोबेलियन, रेशिराम, क्यूरम एंड जैक्रोम। एंड उसके बाद आता है थंडरस, लैंडरस एंड टॉर्नेडोरस। ये सारे पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट सबसे ज़्यादा पावरफुल की बात करें तो वो आता है क्यूरम पोकेमॉन।
क्यूरम पोकेमॉन सबसे ज़्यादा ताकतवर इसलिए क्योंकि वो बाकी मतलब रेशिराम एंड जैक्रोम के साथ फ्यूज़ हो सकता है, तो मतलब फ्यूज़ होने के बाद ये ब्लैक क्यूरम या वाइट क्यूरम बनता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो मतलब बीस्ट पोकेमॉन बन जाता है और वो किसी भी पोकेमॉन को उसके बाद हरा ही सकता है। वरना तो वो मतलब इतना पावरफुल नहीं है, नॉर्मल ही है, बट मतलब ये मिलने के बाद फ्यूज़ होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और बिना फ्यूज़ हुए तो मतलब कोई और हो सकता है, बट फ्यूज़ होने के बाद तो यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रीजन की ओर। हमारा नेक्स्ट रीजन आता है कैलॉस रीजन। इसके अंदर हमें तीन पोकेमोन ही इंट्रोड्यूस किए गए थे जिनका नाम है ऑरा गार्डियन, और वो है जर्नियस, येवेल्टा और जायगार्ड। जायगार्ड और ये सारे पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जायगार्ड का 100% फॉर्म हमें अलोला रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था, ना कि कैलॉस रीजन में, वरना जायगार्ड ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, बट उसकी जगह आता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जर्नियस। जर्नियस ही जो मतलब फेरी टाइप पोकेमॉन इसके अंदर ही इंट्रोड्यूस किए गए थे, और फेरी टाइप में सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है क्योंकि मतलब ये इसी रीजन में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और इसी रीजन में येवेल्टा मतलब डार्क टाइप है और वो मतलब वीक है येवेल्टा मतलब जर्नियस के सामने, और जर्नियस लाइफ भी दे सकता है जो एक गॉड लाइक पावर रखता है, और गॉड लाइक पोकेमॉन है क्योंकि ये किसी को लाइफ दे सकता है, और लाइफ तो सिर्फ गॉड ही दे सकते हैं, कोई नॉर्मल ह्यूमन तो दे नहीं सकता। तो भाई कितना पावरफुल है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। फेरी टाइप में ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है, और क्या ही इसकी मतलब जो ये हॉर्न्स है या कुछ भी बोलो, ये कितने सुंदर लगते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मेरी तो पर्सनली फेवरेट है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रीजन की ओर। हमारा नेक्स्ट रीजन आता है अलोला रीजन। अलोला रीजन के अंदर हमें सबसे ज़्यादा पोकेमॉन इंट्रोड्यूस किए गए थे जो है टोटल 11 पोकेमॉन। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पोकेमॉन के, वो थे टापू कोको, टापू लिली, टापू बुलो, टापू फिनी, कॉस्मो, कॉस्मियंग, सोलगैलियो, लुनाला एंड नेक्रोजमा एंड टाइपनल एंड सिल्वरी। ये सारे के सारे पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की बात करें तो वो आता है नेक्रोजमा पोकेमॉन। नेक्रोजमा पोकेमॉन की डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ही, और उसके पास तीन अलग अलग फॉर्म भी है, और उसमें तीन अलग अलग फॉर्म में से सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉर्म है वो है अल्ट्रा बीस्ट फॉर्म। अल्ट्रा बीस्ट फॉर्म में ये रियल में बीस्ट हो जाता है, इसको रोकना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है। ये से भी एक साइकिक टाइप का पोकेमॉन है, और ये फैन फेवरेट भी बन चुका था काफ़ी लोगों का। इसके गेम्स में तो इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया, और ज़्यादा पावरफुल है भी ये, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है। इसकी डिज़ाइन और इसकी पावर दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं म्यूटू की तरह। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रीजन की ओर। बात करें मैं लास्ट रीजन मतलब गैला रीजन की, तो उसमें आते हैं काफ़ी ज़्यादा पोकेमॉन जो होते हैं कैलरेक्स, ग्लेशियर, स्पेक्ट्रियर, जेशन, जेमेजेंटा एंड एटर्नेटर्स, और लेजेंडरी बर्ड्स जो गैलरियन फॉर्म के, जो गैलरियन आर्टिग्नो, गैलरियन जेप्टोस एंड गैलरियन मॉल्टर्स। तो सारे के सारे पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट सबको पता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कौन सा है, वो है एटर्नेटस पोकेमॉन। एटर्नेटस पोकेमॉन एक ड्रैगन एंड पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फेमस पोकेमॉन है, और इसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेस स्टैट है जो है 1000+ उसके एटर्नेटस मैक्स फॉर्म में। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है वर्ल्ड का कह सकते हो, क्योंकि अभी तक इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कोई नहीं आया, इसको रोकना इम्पॉसिबल है, बट सिर्फ जेशन और जेमेजेंटा इसको रोक सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का। तो गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड पीस आउट।